मोदी चाहते हैं इतिहास में नाम या बनना है हिंदू हृदय सम्राट। राजाओं की तरह क्यों बनवा रहे हैं मंदिर? माँ दुर्गा के भक्त है पर मंदिर राम और शिव का बनवा रहे हैं। क्या शक्ति पीठों की भी आएगी बारी? दक्षिण में राजेंद्र चोल और इधर शिवाजी ने बनवाए थे हजारों मंदिर। देश में हिंदू हृदय सम्राट के रूप में बाला साहेब ठाकरे को याद करते हैं, लेकिन उनका हिंदुत्व सियासत तक ही सीमित रह गया। बीजेपी के नेता भी हिंदुत्व की सियासत करते हैं। कल्याण सिंह ने हिंदुत्व के लिए कुर्सी तक कुर्बान कर दी। लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर बनवाने के लिए रथ यात्रा तक निकाली, लेकिन नरेंद्र मोदी इन सब के बाद आए और हिंदुओं के दिलों पर छा गए। इसकी वजह उनकी सियासत नहीं बल्कि मंदिर प्रेम है। हम आपको बताएंगे कि मोदी राज में किन किन मंदिरों और धार्मिक शहरों का कायाकल्प किया गया। हम सभी जानते हैं कि पीएम मोदी के राज में देश में मंदिरों का विकास कितनी तेजी से हो रहा है, धर्म की नींव कैसे मजबूत हो रही है। जो लोग मंदिर जाने में अब तक आनाकानी करते थे, वही लोग जनेऊ दिखाकर कहते हैं कि पूजा भी करनी चाहिए। आखिर सियासत में इन तस्वीरों को लाने का मकसद क्या है, इसे समझने के लिए आपको दक्षिण भारत चलना होगा। साउथ की एक फिल्म आई है जिसका नाम पोनियम सेल्विन 1। इसमें चोल वंश की कहानी दिखाई गई है। चोल वंश के राजाओं ने अपने राज्य में खूब मंदिर बनवाए। आज तमिलनाडु में 35,000 से ज्यादा मंदिर है। तमिलनाडु हिंदुस्तान का इकलौता ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा मंदिर है। यहां पल्लव वंश का भी राज था। महाराष्ट्र में शिवाजी के राज में हर 10 कोस पर हनुमान मंदिर बनाए गए हैं। उन्होंने भी खूब मंदिर बनवाए थे। अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ मंदिर बनवाया जिसे औरंगजेब ने तुड़वा दिया। फिर ज्ञानवापी भी वहीं बनी। मतलब राजाओं ने मंदिर पर ध्यान दिया लेकिन मुगलों ने इसे तोड़ दिया। फिर देश में लोकतंत्र का उदय हो गया। तुष्टिकरण की राजनीति के चक्कर में किसी नेता ने मंदिरों पर ध्यान नहीं दिया, बस हिंदुत्व की सियासत करते रहे। अब मोदी लगता है इसी फर्क को मिटाना चाहते हैं। केवल सियासत से किसी का भला कैसे हो सकता है? कश्मीर में जहां सालों से मंदिरों के दरवाजे बंद पड़े हैं, वहां पीएम मोदी के राज में मंदिरों में मंत्र उच्चारण भी होता है। काशी से लेकर कन्याकुमारी तक अब पुजारियों को पूजा करने में डर नहीं लगता, क्योंकि हिंदुस्तान की सियासत में धर्म ने अपनी जगह बना ली है। जैसे प्राचीन काल के राजा भव्य मंदिरों के लिए आज भी अमर है, औरंगजेब और मुगल मंदिर तुड़वाने के लिए बदनाम है, वैसे ही मोदी को इतिहास उस दौर में मंदिर बनवाने के लिए याद रखेगा जब धरती से धर्म का प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा था। कलयुग और आधुनिकता के इस दौर में लोग पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे थे। पीएम मोदी मंदिरों में कॉरिडोर बनवा के ये बता रहे थे कि धर्म में भी आधुनिकता का वास हो सकता है, बस आपके अंदर श्रद्धा भावना होनी चाहिए। मोदी ने केदारनाथ से लेकर के अयोध्या, काशी, दक्षिण भारत तक मंदिरों की नींव रखी। जहां तक पीएम मोदी की भक्ति की बात है तो वो नवरात्र में 9 दिनों का व्रत रखती हैं, माँ काली की आराधना करते हैं, गंगा को माँ कहते हैं और शिव की भक्ति में हमेशा लीन रहते हैं। हालांकि लोकतांत्रिक देश में ये तस्वीरें दूसरे देशों में लोगों को अच्छी नहीं लगती होंगी, लेकिन राजा के दौर में ये तस्वीरें अच्छी लगती थी और उसी का परिणाम है कि भारत आज भी अपनी सभ्यता और संस्कृति को संजोए हुए है और उसे आगे बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।